life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? आज मैं करने वाली हूँ करीना कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो उनका सिग्नेचर मेकअप लुक है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर शुगर का बाम प्राइमर लगाया है, जिससे फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर दिया था। प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, शायद वॉइस बहुत धीरे आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सॉरी फॉर देट। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा फटे डोल को जो है वो आप बेयर कर लो। बाकी सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज मैं काफ़ी सारे हैक्स भी यूज़ करके इन्हें करने वाली हूँ, जैसे पिछली वीडियो में किया था कियारा अनवानी का ब्राइडल मेकअप लुक, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारे हैक्स यूज़ किए थे। तो आज ये वाला कुछ ग्राफिक वाला हैक यूज़ करने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल था, जो बेस मेकअप के लिए है। तो कुछ अतरंगी से डिज़ाइन मैं इसके ऊपर बना लूँगी, कुछ मतलब झिंगलूलू टाइप, तो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने पहले लगाया है कंसीलर, उसके बाद मैंने लगाया है कॉन्टोर। इनसाइड का प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो सारे फेस के ऊपर मैं ये अप्लाई कर लूँगी। जैसे जैसे अप्लाई कर रही हूँ आप वैसे वैसे कर लो। मेरे पास क्रीम ब्लश नहीं था तो मैंने बायोटिक की है लिपस्टिक ली है, ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है और मेरे फेस पर सूट करती है एज अ ब्लश, तो मैंने इसे उसे भी अप्लाई कर लिया है। तीन लेयर इसकी लगाई है और फोर्थ लेयर पे मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। लाइट कंसीलर हाइलाइटिंग कंसीलर है और जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे हम जो है वो लगा लेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे। तो ये ADS का फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा है स्टिक ऑन फाउंडेशन। उसके बाद शुगर का ही ब्रश लिया है मैंने और उससे मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी ईजिली ये ब्लेंड हो गया क्योंकि क्रीम ब्लश मतलब क्रीम प्रोडक्ट थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा फिनिश लुक आएगा। तो काफ़ी अच्छा लुक आया है। शुगर का मैंने कॉम्पैक्ट मंगाया था, टूटा हुआ आया है। ये बनाना पाउडर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ठीक है हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको यूज़ कर लिया है मैंने और अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर लिया है। ये हैक तो बहुत अच्छे से काम कर गया है, अगर आप कहीं मतलब पर इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट हैक है ये डबल चिन को छुपाने वाला, तो इससे नो लिखना है। मेरे पास कोई स्टिक नहीं थी तो मैंने ऐसे ही मतलब ब्रश से लिखा है, बहुत फिनिशिंग से नहीं बना है, लेकिन इससे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लग गया है। लेकिन ठीक है, मतलब हैक तो काम कर रहा है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है नेक के ऊपर और साफ़ पता लगता है कि ब्लश मतलब आपने जो है कॉन्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट हैक है नोज़ को कॉन्टोर करने वाला, तो ये कुछ चिमटी टाइप लगा के बड़ा ही फनी सा लग रहा था। तो जिससे आप लगकर जिससे आप आईब्रोज बनाते हो वो लगा लो। सेंटर में आपको जो है हाइलाइटर कंसीलर लगाना है और इसे ब्लेंड कर लेना है। लेकिन ये हैक मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा क्योंकि कॉन्टोर अगेन बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर आप चाहो कि भी कम लगाते हो तो भी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं है। तो इसको हाइलाइटिंग तो कर दिया, काम भी अच्छा किया है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ऐसे विजिबल हो रहा था कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेस पे लगा हुआ है। सभी हैक्स का मुझे यही प्रॉब्लम लगा है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं तो इतना प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता, वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हैक तो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हैक में जो है आप जो हैं अगर आपको आईब्रोज़ फिल करनी नहीं आती और आप प्रो आईब्रोज़ चाहते हैं तो आप इस तरीके से टेप लगा सकते हैं। टेप मेरे से लग नहीं रही थी बेसिकली, मुझे ना मेरे पास पड़ी तो थी ये वाली जो इलेक्ट्रिक वाली टेप होती है, लेकिन मुझे मिल नहीं रही और ये वाली टेप जो है स्किन के ऊपर लग नहीं रही थी। तो ये प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा आती है कभी कभी ना। अब मैं एक हैक के लिए इधर उधर ढूंढने नहीं जा रही थी मैं, तो जो मेरे पास पड़ा था वही लगा लिया। तो मैंने ब्रश की हेल्प से जो है ब्लैक जो हमारा आई शेडो होता है वो लगा लिया
और उसके बाद स्पूली की मदद से ब्लेंड कर लिया। एक फ्लफी ब्रश लेके मैंने इसे थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया था। हैक तो काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आईब्रोज बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही थी। नेक्स्ट हैक मोस्ट वायरल हैक, जिससे कि आईज़ को बस स्मज करो और आपका स्मोकी आई इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो मैंने शुगर का काजल लिया है, उसे अप्लाई कर लिया। काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे अमेज़ॉन में मिल रहा था तो मैंने मंगा लिया। इस तरीके से आईज़ को रब किया है मैंने और ये पूरा का पूरा काजल फैल गया। बहुत ही बकवास हैक था। अब इसको सही करने के लिए क्या चाहिए होगा, पहले मैंने ब्रश से सेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने लिया स्पॉन्ज और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा क्लीन किया ताकि थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगे। तो इसको करके मैंने उसे अच्छे से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद अब मुझे ब्लैक आई शेडो चाहिए और उसे स्मज कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम बच जाता है लेकिन मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। मतलब आपको जो स्मज करने का टाइम होता है ना ब्रश से, वो वाला बच जाता है, लेकिन उससे फैल बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट मैंने हैक देखा था कि फिंगर से अगर आप जो है स्मोकी आई क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ये तो मैंने हैक बहुत बार पहले भी यूज़ किया हुआ है। स्मोकी आईज़ के लिए मैं हमेशा आई शेडो लेकर उसके ऊपर ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर उससे फिंगर से ही ब्लेंड कर देती हूँ, तो मुझे ब्लैक काजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके ऊपर लाइट ब्राउन शेड लेके उसे थोड़ा सा अच्छे से सेटल डाउन कर देती हूँ। तो ये तो हैक बहुत हमेशा से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसकी आदत है। तो ये हैक तो बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपको स्मोकी लुक करना है तो आपको किसी ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं है, फिंगर से ही कर लो यार, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। दो आई शेडोज़ के साथ भी आप खेल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ब्लैक के साथ थोड़ा सा न्यूड ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लिप्स पे लगाया ग्लॉस लगा के, क्योंकि लुक थोड़ा सा सटल डाउन था तो मुझे लगा कि न्यूड लिपस्टिक की जगह अगर मैं ग्लोज लगाऊंगी तो इफेक्ट आ जाएगा। ये शुगर का न्यूली लॉन्च मस्कारा था तो मैंने कहा कि यार ट्राई करके देखते हैं, इसलिए मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया था। तो इसके एक साइड पे फाइबर है और एक साइड पे मस्कारा है, तो पहले मस्कारा को लगाया। मस्कारा लगाती काफ़ी अच्छी लेंथनिंग मिल गई थी। उसके बाद मैंने इसका जो है वो वाला पार्ट लिया, फाइबर वाला पार्ट लिया। गीले मस्कारा के ऊपर ही लगाओगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, तो इसे लगाया। एकदम से फेक लैशेज़ वाला लुक आ गया। उसके बाद अगेन मस्कारा अप्लाई किया तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया, बहुत ही सुंदर लगा। तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई करना ये मस्कारा। तो ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक बनाएंगे और बिल्कुल वैसा वाला ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूड लिपस्टिक ली है, अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लिया। काफ़ी अच्छा लिपस्टिक का लुक आ रहा है। तो ये न्यूड लिपस्टिक बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने देखी थी। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगाई, क्योंकि स्मोकी जो लुक था उसके ऊपर ग्लिटर था। यहाँ पर मैं इमेज डाल दूँगी, आप देख लेना, बहुत ही अच्छा लुक आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट आया है और बिल्कुल वैसा ही बन गया है। और सभी हैक्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे तो मुझे ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी सटल है। और सभी हैक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें से मुझे एक दो हैक फालतू के वाहियात हैक लगे, लेकिन वैसे लुक भी इस मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको इसमें से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताना। सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।